हिंदुओं को उत्तर प्रदेश में घर खाली करवाया। आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? हमारे हायर एजुकेशन सर्वे की हिस्ट्री में पहली बार किसी एक कम्युनिटी के इनरोलमेंट परसेंटेज में इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। मुस्लिम स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट यानी 21 लाख से 19 लाख पे कैसे गिर जाता है, 8% से ज्यादा की कटौती कैसे हो जाती है। सबसे बड़ा ड्रॉप उत्तर प्रदेश में है जो 36% के पिछले 9 सालों में इस मुल्क में जिस तरह से माहौल तब्दील हुआ है उससे इन आंकड़ों को काट करके नहीं देखा जा सकता। हिंदुस्तान में को रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट कम से कम एक हेट क्राइम या हेट स्पीच का इंसिडेंट होता है। सब्जी वालों को, रेडी लगाने वालों को किस तरह से मोहल्लों में आने से रोका जा रहा था। कई ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र बनाए, यही आरएसएस का एजेंडा है। यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके सब डरते हैं उनसे, सब क्रिमिनल्स डरते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स डरते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बरकरार किया है, किसकी हिम्मत हुई ऐसे करने की? हिंदुओं को उत्तर प्रदेश में घर खाली करवाया। आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? मतलब क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसे? क्योंकि एक 100 साल पुराना एजेंडा है इनका, आरएसएस का, कि एक हिंदू राष्ट्र बनाए यहाँ जहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के तौर तरीके हैं, इन सब को ख़त्म करके एक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र बनाए, यही आरएसएस का एजेंडा है। तो इसके चलते मुसलमानों को दूसरा दर्जा भी नहीं है बिल्कुल उनको। Are you directly trying to provoke me and trying to get a quotation? What I said, I have said. I have said it very clearly. I don't need to answer your question again. No, no, काफी कुछ बन गया है। हम जो देख रहे हैं इस देश में, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप शायद एक अलग तरीके के मीडिया पे ही ध्यान दे रहे हैं, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हुआ है तो फिर मैं, वो तो एक अलग बात है ना। ये मामूली आंकड़े नहीं है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी नंबर्स, दीज आर नॉट यूजुअल नंबर्स, बल्कि जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, सबका ये कहना है कि हमारे हायर एजुकेशन सर्वे की हिस्ट्री में पहली बार किसी एक कम्युनिटी के इनरोलमेंट परसेंटेज में इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ईमानदारी की बात यह है कि इसके एग्जैक्ट कारण क्या हैं उसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहली जो डिमांड है SIO की, मेरे ख्याल से इस वक्त वो बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए, कि 1,80,000 मुस्लिम स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट यानी 21 लाख से 19 लाख पे कैसे गिर जाता है, 8% से ज़्यादा की कटौती कैसे हो जाती है एक साल के गैप में सिर्फ। इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए, सीरियस जांच होनी चाहिए, और उसके सारे फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस, किन जगहों पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस तरह की एक होलिस्टिक जाँच होनी चाहिए। हम यहाँ पर बस कुछ अहम सवाल जो इन आंकड़ों को और जिस वक्त के ये आंकड़े हैं उसको जब हम साथ में रख के देखते हैं तो जो अहम सवाल कुछ खड़े होते हैं, हम उन सवालात को आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करेंगे। जैसा कि निवेदिता मैम ने हमसे पहले भी कहा कि ये पिछले 7-8 सालों में, बल्कि पिछले 9 सालों में इस मुल्क में जिस तरह से माहौल तब्दील हुआ है उससे इन आंकड़ों को काट करके नहीं देखा जा सकता। सबसे बात सिर्फ इसकी नहीं है कि हर तीसरे दिन में तकरीबन हिंदुस्तान में को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कम से कम एक हेट क्राइम या हेट स्पीच का इंसिडेंट होता है। बात सिर्फ इसकी भी नहीं है कि जो बड़े बड़े इंस्टेंसेस हुए हैं मॉब लिंचिंग के, वायलेंस के, पब्लिकली स्टेट पॉलिसी के ज़रिए से
मुस्लिम ट्रेडर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के, या जिस तरह से अभी उत्तराखंड में एक शहर में मुसलमानों को घर और दुकान खाली करने के लिए पोस्टर के जरिए से और पंचायतों के जरिए से उनको डराया धमकाया जा रहा है और उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। मसला ये है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इनको पब्लिकली किया जा रहा है, और जो लोग इनको कर रहे हैं, चाहे वो धर्म संसद ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हों, चाहे वो रैली में खड़े होके लोगों को गोली मारने पे उकसाने वाले लोग हों, ऐसे सारे लोगों को अपने करियर में एडवांसमेंट भी मिल रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल रहा है, प्रमोशंस भी मिल रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में अपना पॉलिटिकल करियर अगर आपको एडवांस करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप मुसलमानों को टारगेट करके एक भड़काऊ भाषण दे दें, मुसलमानों को टारगेट करते हुए आप कुछ एक्टिविटी कर दें। सबसे आसान तरीका है पॉलिटिकल करियर को एडवांस करने का। और ये जो सोशल और पॉलिटिकल इंसेंटिव मिला है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने को, यकीनन हमने पर्सनली फील किया है, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने ड्राइंग रूम्स में हमने फील किया है कि इससे इनसिक्योरिटी बढ़ी है लोगों की। और इनसिक्योरिटी इस लेवल पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हुए अपना नाम बताने से हिचकना, अपने आइडेंटिटी के सिंबल्स को रिवील करने से हिचकिचाना, जो लोग सालों से मिक्स लोकेलिटी में खुशी खुशी साथ रहते रहे हैं, वो ये फैसला कर रहे हैं कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया मोहल्लों में आके रहेंगे शहर के। ये ओवरऑल ट्रेंड है जो हम कुछ चीज़ें आंकड़ों में और कुछ चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखते आए हैं। ये जो हायर एजुकेशन के आंकड़े आए हैं, ये पहला मेजर इंडिकेशन है कि इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग के, ये जो असुरक्षा महसूस हो रही है मुसलमानों को, उसके कुछ टैंजिबल इफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे असरात हैं जो आंकड़ों की नज़र में भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, ये आंकड़े 2020-21 के हैं। ये वो वक्त है जब ना सिर्फ कोविड फैला था, बल्कि उससे पहले एक सीए मूवमेंट चला था। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मूवमेंट सड़कों से वापस हुआ था, उसके बाद बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां शुरू हुई, जिसमें टारगेट करके कई जगहों पे मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही में उसी वक्त तबलीगी जमात के नाम पर पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उस प्रोपेगेंडा के नतीजे में आप लोगों को याद होगा, कई जगहों पे मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच और इंसिडेंट्स होने लगे थे। सब्जी वालों को, रेडी लगाने वालों को किस तरह से मोहल्लों में आने से रोका जा रहा था, कई सारे बहुत पब्लिक इंसिडेंट्स हुए थे जहां टारगेटेड तरीके से मुसलमानों को अटैक किया गया था। और यह फैलाने की कोशिश की गई थी कि तबलीगी जमात और मुसलमानों की वजह से कोविड फैल रहा है। ये अलग बात है कि एक साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने और दीगर कोर्ट्स ने इसको पूरी तरह रबिश बता दिया, और कई सारे मतलब आपके पास कई सारे अब आंकड़े हैं, ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात का और कोविड का कोई लिंक नहीं था। लेकिन उस वक्त ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था मार्च अप्रैल मई में। ये वही वक्त महीने होते हैं जब हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का भी वक्त होता है। हम इस बात को पूरी तरह डिस्काउंट नहीं कर सकते। हम नहीं कह रहे कि ये डायरेक्ट लिंक है, ये जांच करने की चीज सरकार के लिए है, लेकिन बहरहाल ये वक्त वही वक्त है जब इस तरह के इस्लामोफोबिक, एंटी मुस्लिम, हेटफुल प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा था। और ये लाजमी बात है कि जब इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए तो उससे एक इनसिक्योरिटी फैलेगी। खत्म करने से पहले आखिरी बात जिस तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, हिंदुस्तान में हम लोग ये जानते हैं, हायर एजुकेशन एक प्रिविलेज है आज भी। उसकी तरफ वही लोग जा पाते हैं जिनके बेसिक चीजें किसी हद तक सिक्योर होती हैं, या तो वो लोग जो पुश्तैनी तौर पे वेल ऑफ हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन में हायर एजुकेशन में वही लोग जाते हैं जिनके घर पे थोड़ी सी सरप्लस इनकम होती है, थोड़ी सिक्योरिटी होती है कि आने वाले, कि आप अपने 18-20 साल के अर्निंग मेंबर को आप 2-3 साल के लिए उनकी अर्निंग को मुलतवी करके, रोक करके उन्हें पढ़ाई की तरफ भेज सकते हैं ताकि वो बेहतर फ्यूचर हो सके उसका। ये एक सिंपल, सबको पता है एक चीज है, ये जब वो सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम का सरप्लस खत्म हो। जब आप इस बात को लेके इनसिक्योर हो जाएं कि मैं अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर किसी शहर में अपने बच्चे को भेज सकती हूं, क्या मेरी बेटी, मेरा बेटा जाकर के सिक्योरली
400, 200, 100 किलोमीटर दूर जाके अनजान शहर में सेफली पढ़ सकते हैं। जब ये इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है तो जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कम होगा ही। जब आपके शहरों में यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी, आपको स्टेट कैपिटल्स और नेशनल कैपिटल्स में लोगों को भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो बहुत तरह के सिक्योरिटी और बहुत तरह के अदर फैक्टर्स इनकम के अलावा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े आए हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के, वो ये बता रहे हैं कि इनकम से हट के भी बहुत सारे जो दीगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के बीच में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, उनका एक टैंजिबल इफेक्ट हो रहा है। बहरहाल हम खत्म इसी बात से करना चाहेंगे कि इसके ऊपर एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि ऐसा ड्रास्टिक डिक्लाइन कैसे आया है एक ही साल में, और साथ ही में SIO का जो डिटेल प्रोग्राम है जिसमें वो कम्युनिटी से इंगेज करके एजुकेशन में के लिए इनकरेज करने की कोशिश करेंगे लोगों को, साथ ही में स्कॉलरशिप्स को रीइंस्टेट करने के लिए जो डिमांड है, इन डिमांड्स की हम तायद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह कंस्ट्रक्टिवली कम्युनिटी की तरफ से इसको अप्रोच करके और सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, उसी कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट में सरकार भी इस एफर्ट को लेगी और हमारी इसमें असिस्टेंस करेगी, मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये निवेदा मैम ने जैसे बताया था, रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि सबसे बड़ा ड्रॉप उत्तर प्रदेश में है जो 36% है, जो कि नेशनल आंकड़ों से भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। 36% का ड्रॉप यानी 1/3 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में जाते उससे कम हो गए हैं। दूसरा बड़ा ड्रॉप जम्मू एंड कश्मीर में है, 26%। ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा चेंज आया था कॉन्स्टिट्यूशनल। महाराष्ट्र में 8.5%, तमिलनाडु में 8.1% और दिल्ली में भी 8% के ही करीब का आंकड़ा है। बाकी ये मेजर स्टेट्स हैं, बाकी हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में जहाँ बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, मसलन गुजरात हुआ या जहाँ पे के मुसलमानों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे भी आपको 6.1% का ड्रॉप मिलेगा। उसी तरह से बिहार कर्नाटका दो स्टेट जहाँ पे कुछ रीजन्स में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके बावजूद बिहार में 5.7% और कर्नाटका में 3.7%। वैसे ये आंकड़े आपको डिटेल में आप अगर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं तो वो रिपोर्ट के जो रेलेवेंट पार्ट्स हैं वो आपसे शेयर भी कर देंगे आई एम श्योर SIO के साथ। आज का कॉन्फ्रेंस शिक्षा को लेके है, सिर्फ शिक्षा को लेके सवाल हम लेंगे।